हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और जिसके राइटर हैं रमित सेठी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जो हमें अमीर बनने के रास्ते में मदद करता है। इस किताब के साथ वह इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया। इस किताब में वह इस बारे में बात करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। यह किताब आपकी मदद करती है ये पहचानने में कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इसे अपने लिए काम करवाया जाए। इस 6 हफ्तों का प्रोग्राम आपको बताता है कि कैसे एक सिस्टम बनाया जाए जो आपके बिल पेमेंट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सुधारे, ताकि आपका पैसा हर महीने 1 घंटे से कम वक्त के मेंटेनेंस में सभी सही जगह पर जाए। ये किताब उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं ये समरी इस किताब के 6 हफ्ते के प्रोग्राम को समझाएगा। पहला हफ्ता आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा हफ्ता में बैंकों को जीतना है देखेंगे। तीसरा सप्ताह में निवेश कवर की जाएगी और चौथा हफ्ता में ध्यान से खर्च करने की बात की जाएगी। पांचवा सप्ताह में बचत पर ध्यान केंद्रित होगा और छठवां में झूठ और विचार को चर्चा की जाएगी कि निवेश सबके लिए है, ना कि सिर्फ अमीरों के लिए। और आखिर में हम एक छोटा सा डिस्क्यूजन करेंगे कि आपकी नई मनी हैबिट्स को मेंटेन करना कितना आसान है। तो चलिए फिर डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड अनुकूलन। पैसों के सफर में आपको जो पहला कदम लेने की ज़रूरत है वो है अच्छा क्रेडिट बनाना। पर्सनल क्रेडिट आपके क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख सकता है। ज़्यादा वयस्कों के पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं, पर ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ठीक से इस्तेमाल किए जाए तो क्रेडिट कार्ड लंबा वक्त हो सकता है, आपके हजारों पैसे बचा सकता है। क्रेडिट रिपोर्ट आपका क्रेडिट इतिहास, कोई वर्तमान और हाल के लेन देन या आपका कोई खाता जो आपके पास हो उसकी जानकारी होती है। ये जानकारी लेंडर्स यानी कि जो कर्ज देते हैं उनको दी जाती है जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। क्रेडिट स्कोर थोड़ा अलग है, आपको 300 और 850 के बीच में एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर लेंडर्स को ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब उधार देने की बात आएगी तो आपके रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो आपको कम खतरों की तरह देखा जाता है और कम क्रेडिट स्कोर ज़्यादा जोखिम को दिखाता है। और भविष्य में खरीदारी जाने वाली चीज़ जिसमें घर और लोन शामिल है के लिए क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर कर्जदाता और बैंक ये फैसला करेंगे। अच्छा क्रेडिट बनाना अमीर बनने का पहला कदम है। वीक 1 टॉप टिप्स। बताए गए टिप्स के इस्तेमाल से आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और आम गलतियां करने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करें। समझें कि सारे नंबर का आपके क्रेडिट के लिए क्या मतलब है। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है तो बैंक से चेक करें कि क्या ये नो फी कार्ड है। अगर नहीं तो इसकी रिक्वेस्ट करें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लीजिए और सभी फीस को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करें। स्वचालित भुगतान को सेट करें ताकि कभी ये मिस ना हो और हमेशा पूरी पे होती रहे। ध्यान रहे कि ये हर महीने होता रहे। अगर आपके ऊपर कोई उधार है तो हमें भुगतान करने का एक प्लान बनाया जाएगा। अपने ऋणदाता से बात करें ताकि वो जल्दी से जल्दी चुकाया जा सके। लक्ष्य है उधार को जितना जल्दी संभव हो भुगतान करना, ताकि आप इनाम का फायदा उठा सकें। सही बैंक और अकाउंट चुनना भी जरूरी है। जब आप अपने फाइनेंस सेट कर रहे हों, आपके बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और आप उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, ताकि आप बेकार की फीस देने में पैसा खराब ना करें। चेक खाते। ज़्यादातर लोगों के पास एक चेक खाता होता है। ये एक मानक खाता होता है जिसमें पैसा नियमित रूप से आता रहता है। आपको इसे एक ईमेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका सारा पैसा इस मेन अकाउंट में आता है तो आप इसे साइड अकाउंट में भेजने के लिए फिल्टर कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट। चेक अकाउंट के लिए ऐसा अकाउंट चुनें जिस पर इंटरेस्ट मिलता हो और फ्री हो, जिसमें मंथली, ईयरली और ट्रांजैक्शनल फीस ना हो। बचत खाते। आपको बचत खाता अल्प अवधि से मध्य अवधि बचत के लिए खोलना चाहिए। इस जगह पर
अपने हर महीने के पैसे को एक महीने से 5 साल तक के लिए रखने की सोचें। इस खाते को आप छुट्टियां और हाउस डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल करें। सप्ताह 2 शीर्ष युक्तियां। अगर आपके पास पहले से ना हो तो एक चेक अकाउंट खोलें, डबल चेक करें कि इसमें कोई फीस ना हो। अगर आपके करंट अकाउंट में मंथली या ईयरली फीस लगती है तो बैंक से बात करें और इसे वेव ऑफ करने की रिक्वेस्ट करें। और कम से कम राशि वाले ट्रांसैक्शनल फीस को भी ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा ब्याज वाले सेविंग अकाउंट को खोलें, अपने खर्च करने वाले पैसे को बचाने वाले पैसे से अलग कर लें। ध्यान रहे कि आपका चेक अकाउंट में 1.5 महीने के खर्चे के जितना पैसा हो, उसके अलावा बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र कर दें। निवेश एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग बचना चाहते हैं। आपको इसे समझना चाहिए ताकि आप निवेश करने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत से लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे ही वक्त में निवेश करना समझदारी होती है। निवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 5 इजी स्टेप। स्टेप 1, उस इन्वेस्टमेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जहां आपको 100% रिटर्न मिलता है, और ये हर पे चेक पर होता है। इसे अपनी तरफ से लगभग कुछ भी नहीं होता है सिवाय सिर्फ शुरुआत सेटअप के। स्टेप 2, अपना क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं। एक बार ये हो जाए आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। इसको पे करने का प्लान बनाने के लिए वक्त लें। स्टेप 3, आपको एक अलग इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फंड भी खोलना चाहिए। लक्ष्य है आपका टैक्स के बाद की आय जितना हो सके योगदान देना। स्टेप 4, अगर कोई पैसा बचता है तो इसे अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। स्टेप 3, आपको एक अलग इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फंड भी खोलना चाहिए। लक्ष्य है आपका टैक्स के बाद की आय जितना हो सके योगदान देना। स्टेप 4, अगर कोई पैसा बचता है तो इसे अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। स्टेप 5, जब ये 4 स्टेप पूरे हो जाए तो आपके पास कुछ पैसा होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉन रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचें जिसमें आपका बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा हो। सचेत खर्च, ये एक ऐसी सलाह है जो आप अक्सर सुनते होंगे, जो है बजट बनाना। हालांकि ये करने से कहना आसान है, किसी के पास हर एक पैसे का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। इसे आपको ध्यान से खर्च करना चाहिए। ध्यान से खर्च करना आसान है, जब पैसा आए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर ध्यान देने की। जब ये हो जाए तो आप बचे हुए पैसों के बारे में बिना अपराध बोध के खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। पैसे को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ये फैसला करना है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। आपको एक मितव्ययी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि एक सस्ता तरीका। मितव्ययिता को हर चीज़ पसंद किया जाता है, क्योंकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी पर पैसा बचा सकते हैं और आप कुछ जगह पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। अगर आप हर हफ्ते फिल्म में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर बार कोक और पॉपकॉर्न ना खरीदें। ये फैसला आप पर है कि आप कहाँ बलिदान करना चाहते हैं, कहाँ नहीं। जब आपको अगला पेचक मिले तो अपने खर्चे को कम करें और पता लगाएं कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अपनी इनकम को फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग गोल और गिल्ट फ्री खर्च के बारे में बात कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर नज़र डालें कि क्या आपको इंश्योरेंस पर बेस्ट डील मिल रही है। इस कॉस्ट के आसपास शॉपिंग करने की सोचें और देखें कहां आप कम कर सकते हैं। विचार करें कि आपका सचेत खर्च का प्लान कैसा होगा, आप कहां बचाएंगे और कहां खर्च करेंगे। अपने प्लान से जुड़े रहें और हर हफ्ते इसे अपडेट करें। जब आपको रसीद मिले तो अपने प्लान में शामिल करें ताकि ये समझ सके कि क्या हो रहा है। आपके सिस्टम का सीधा और जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसे लंबा वक्त तक के लिए रखना होगा। अगली स्टेज है अपने सिस्टम को सेविंग, इन्वेस्टमेंट और खर्च करने के लिए ऑटोमेट करना। अहम है आपकी इनकम को अपने आप से ही अकाउंट फिल्टर करने का बिना आपके दखल दिए। इसके लिए शुरू हो सकता है। एक बार वक्त खर्च करने से आप आगे के लिए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके बिल अपने आप चुका दिए जाएंगे और आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर हफ्ते, पखवाड़े या महीने में आपको आपकी इनकम मिलेगी। आपके वर्कप्लेस को आपकी सेविंग का हिस्सा ऑटोमेटिकली काट लेना चाहिए। सीधा आपके चेक खाते में जा सकता है। इससे अपने को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटोमेट करें।
अपने क्रेडिट कार्ड बिल को अपने डेबिट कार्ड से अपने आप भुगतान करें। इसमें आपकी सारी फिक्स कॉस्ट जैसे कि यूटिलिटीज, इंटरनेट वगैरह कवर होते हैं। जो भी बचे उसे बिना अपराध बोध के खर्च किया जा सकता है। आपको अपने सभी खातों को लिंक करना चाहिए। आपकी सारी लॉगिन जानकारी एक जगह होनी चाहिए। चेतावनी, आप अलग अलग लॉगिन और यूजर नेम के लिए समय बर्बाद करेंगे। अपने स्वचालित धन प्रवाह के लिए समय खर्च करें। एक बार जब सारे अकाउंट लिंक होंगे तो ये आसान होगा। हर एक अकाउंट के लिए इंडिविजुअल ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करें। वित्तीय विशेषज्ञता मिथक। बहुत से लोग फाइनेंस इंडस्ट्री, वित्तीय सलाहकार और फंड मैनेजर से घबराते हैं, जबकि ज़्यादा लोग अपना निवेश खुद करने के लायक होते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर जादूगर नहीं है और वो पता नहीं लगा सकते हैं कि बाजार क्या करने वाला है। फंड मैनेजर का 75% निवेश हो सकता है फेल होता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर एक फीस चार्ज होती है जो बेकार की होती है और फंड मैनेजर को भुगतान होती है। इंडेक्स फंड कम फीस के साथ ज़्यादा अच्छे नतीजे दे सकते हैं, इसलिए पंडितों के अनुमान को अवलोकन कीजिए। पिछले 1-2 सालों के फंड के परफॉर्मेंस को भी इग्नोर करें। शॉर्ट टर्म में एक फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म में कभी मार्केट को हरा नहीं सकते। ये फीस खर्च और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है जो स्टॉक चुनते वक्त सामने आते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? हर कोई निवेश करने के लायक है? ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। एक सीधा और कम रखवाला वाला निवेश पोर्टफोलियो होना संभव है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको विविध होना चाहिए। आपको न सिर्फ अलग स्टॉक खरीदने चाहिए बल्कि अलग अलग एसेट्स, स्टॉक और बॉन्ड्स के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप जवान होते हैं तब निवेश के लिए थोड़ा जोखिम ले। उस वक्त हो सकने वाले नुकसान से उत्थान आसान होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप ज़्यादा रूढ़िवादी होते जाते हैं और कम जोखिम लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये म्यूचुअल फंड से कम मांगते हैं, हालांकि इसमें एक कमी है कि आपको कुछ अलग अलग फंड करना होगा। इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपका थोड़ा ज़्यादा समय और शोध करेंगे। मल्टीपल फंड का मतलब है आपको रेगुलर अपने फंड को रिबैलेंस करते रहना पड़ेगा। लगभग हर साल एक मेहनत का काम है जिसमें आपको अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपनी टारगेट एसेट के लिए फिर से बांटना पड़ेगा। एक और लो कॉस्ट ऑप्शन है जो है लाइफ साइकिल फंड। ये आपकी उम्र को ध्यान रख सकते हैं और आपकी निवेश को स्वचालित रूप से विविध कर सकते हैं। लाइफ साइकिल फंड असल में फंड ऑफ फंड होते हैं। उदाहरण के लिए एक लाइफ साइकिल फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड हो सकते हैं। दूसरे शब्द हो सकते हैं आपका लाइफ साइकिल बहुत से फंड खुद करता है जो स्टॉक और बॉन्ड खुद करते हैं। शुरू करने से पहले आपको अपना निवेश करने का तरीका तय करना जरूरी है। ध्यान रहे लाइफ साइकिल फंड सिंपल होते हैं और आपको बहुत कम इनपुट देना होता है, पर आपका कंट्रोल कम होता है। वरना इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद डाइवर्सिफाइंग करने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को जांच करने में वक्त लगेगा। अच्छे से रिसर्च करें और समझें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। तय करने के बाद अपने चुने हुए फंड्स को खरीदें। अगर आपके पास अभी निवेश करने के लिए पैसा नहीं है तो अपने निवेश खाते के लिए एक बचत लक्ष्य बनाएं। जैसे ही आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे आप खरीद सकते हैं। जब आपके सारे अकाउंट ऑर्डर में होते हैं और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में होता है तो अपना सिस्टम मेंटेन करना आसान होता है। अपने सचेत व्यय योजना पर ध्यान दें और किसी भी अतिरिक्त पैसे को बचाएं जो बचत और निवेश को बता सके। आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रोज लॉगिन नहीं करना है, इससे सिर्फ फालतू का स्ट्रेस होगा। आपने ऑटोमेटिक सिस्टम किसी कारण से बनाया है। महीने में एक बार चेक करें और वक्त के साथ पैसा बढ़ने का इंतजार करें। अपने निवेश को बहुत जल्दी बचने से सावधान रहें। अपने 20s और 30s में अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के सिर्फ 3 कारण हैं। आपको पैसा किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए, आपने कोई खराब इन्वेस्टमेंट की है जो मार्केट में बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, या आपने अपना इन्वेस्टमेंट का गोल पा लिया है। महत्वपूर्ण सीख
क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें। बिल भुगतान कभी मिस ना करें। आप ब्याज भुगतान नहीं करना चाहेंगे। बिल भुगतान को स्वचालित करें ताकि आपको चिंता न करनी पड़े। अपने बैंक से नो फीस अकाउंट की रिक्वेस्ट करें। एक उच्च ब्याज बचत खाता और मानक चेक खाता खोलें। अपने चेक अकाउंट 1-1.5 महीने के खर्चे लायक पैसा हो, बाकी सारी सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। अपने सारे उधार चुका दीजिए। एक अलग सेवानिवृत्त खाता या निवेश कोष भी खोलें। शुरू करने से पहले अपना निवेशी शैली चुनें। अच्छे से रिसर्च करें और समझें कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस आई विल टीच यू टू बी रिच बुक समरी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।